नूरानी के कंधे पे सीटें लेकर बेगैर तो उनसे बेवफाई करने वालों, आज फिर तुम तहरीके लब्बैक से भीख मांगने आए हो। वो पागल होगा, मुनाफिक होगा जो फिर तुम्हारी किसी डुगडुगी पे चलेगा। चीते की आंख लेके इमाम रजा बरेलवी की तरफ देखो। जरवली खान और देवबंद की पूरी जुर्रियत को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब और जवाब दे रहा हूं। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, कोई हयाती ममाती देवबंदी वहाबी यजीदी इंशाअल्लाह क़यामत तक लब्बैक के नारे का जवाब नहीं दे सकेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत कायदे आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह करोड़ों सलाम हो उस इमाम बरहक पे। ये पूरा तबका उनके साथ अपनी वफाओं का इजहार करता रहा। जैसे अब कुछ टीएलपी के लोगों को बड़ी वफादारी नजर आती है दयाबना के अंदर, सिर्फ एक दो सजदे देखकर। मैं लाल ऐलान कह रहा हूं, इन अल्लाह युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह किसी फाजिर से भी दीन का फायदा करवा सकता है। दीन की ताईद हो जाए तो वो फिर भी फाजिर ही रहेगा, उसका फजूर नहीं खत्म होगा। वो कुजमान नामी मुनाफिक हुनैन के सरे फरिश्त लड़ रहा था काफिरों से और काफिर मार रहा था, और सरकार ने फरमाया कि जब पता चला लोग कहने लगे शहीद हो गया, फरमाया इलन्नार जहन्नम में गिरा है। बात तो यहां तक जाती है। और ये लोग दो और दो चार देख के बदल जाते हैं। वो कुजमान पक्का जहन्नमी था, जिहादी भी था, काफिरों का कातिल भी था, सहाबा की फ्रंट लाइन में खड़ा होकर जख्म भी खा रहा था काफिरों के हाथों से, मगर ना मोमिन था ना हक पर था। दीन का एक ये शोभा भी है। अब इमाम नूरानी से इन्होंने दगाबाजी की और फिर बाद में पता क्या बोले, वो एक जरवली खान बदबख्त कमीना अब तो दुनिया से दफा हो चुका है, इनका बहुत बड़ा शेखुल हदीस उनके मजहब का, मैं वो लफज नहीं बोल सकता जो उसने मौलाना नूरानी के जनाजे के बारे में बोले। लफज हम उसका लिंक दे देंगे, आप खुद सुन लेना। नूरानी मर गया, वो मजलिस बदअमल वालों का अमीर था, तो मजलिस अमल पूरी नाचते हुए गाते हुए उसके जनाजे में शिरकत करने आए। उसके वो वजीर आला भी अपने तमाम वो जर खरीद मौलवी नुमाओं को ले आया और नूरानी के जनाजे में शरीक किया और उलमाए देवबंद के चेहरे पर मट्टी डाली। और नूरानी वो शख्स है जिसने संडे मैगजीन सन 2002 में बयान दिया था कि दारुल उलूम देवबंद का मदरसा अंग्रेजों ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनाया था, और जब तक दुनिया में देवबंद और देवबंदी रहेंगे इस्लामी निजाम नाफिज नहीं होगा। नूरानी का बयान मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सामने पड़ा हुआ, संडे मैगजीन जंग अखबार में इंटरव्यू है, और कहा कि देवबंदियों ने जिहाद नहीं किया है, जिहाद के नाम पर पैसे खाए। और जब ये मरा, और ये मरा कहां है, ये मरा और दरवाजा तोड़ करके निकाला गया है। मेरी यादाश्त में दो आदमी बैतुल खला में मरे, एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और दूसरा शाह। तुम्हारी गलती साबित हुई तो तुम क्या करोगे? कहने लगे आप जो कहेंगे
मैंने कहा तजदीदी ईमान और तजदीदी निकाह, तजदीदी ईमान और तजदीदी निकाह, क्योंकि वो एतकादी मुशरिक था। वो कहता था मैं सब कुछ दरगाहें दे रही है, ये बुजुर्गानी दीन और उलिया, ये सबके सब गैबदान है, हाजत रवा मुश्किल कुशा है। वो सिर्फ सियासी मौलवी नहीं था, वो मजहबी कट्टर किस्म का था, कट्टर किस्म का। उसी कमीने के दरसगाह में चंद दिन पहले डीजल भी गया हुआ था, जो दूसरी तौर पर नूरानी को अपना इमाम मानता था, मुनाफे। इसने क्या कहा जर वली खान ने, कहता नूरानी मर गया, ये उसके लफ्ज हल्के जो हैं, वो मजलसे बदअमल वालों का अमीर था, तमाम मजलसे अमर पूरी नाचते हुए गाते हुए उसके जनाजे में शिरकत करने आए, और इन लोगों ने उलमाए देवबंद के चेहरे पे मट्टी डाला जिन्होंने जनाजे में शिरकत की। कहता है नूरानी तो वो शख्स है जिसने संडे मैगजीन सन 2002 में बयान दिया था कि दारुल उलूम देवबंद का मदरसा अंग्रेजों ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनाया, और ये वाकई नूरानी ने बयान दिया था, क्योंकि मौलाना नूरानी आला हजरत के खलीफे के फर्जंद थे। नूरानी ने यह कहा जब तक दुनिया में देवबंद और देवबंदी रहेंगे इस्लामी निजाम नाफिज नहीं होगा। ये आज हम बिला वजह नहीं बोले, ये रिकॉर्ड पर है और उन्हें याद है। और कमीना कहता है मेरी याददाश्त के मुताबिक दो बंदे बैतुल खला में मरे हैं, एक मिर्जा गुलाम कादियानी है और माजला दूसरा वो इस अजीम हस्ती का नाम लेता, इतना बड़ा दजल और झूठ। और साथ कहता है कि जिन्होंने नूरानी का जनाजा पढ़ा वो तजदीद ईमान करें, तजदीद निकाह करें। क्यों? कहता वो एतकादी मुशरिक था माजल्ला। मुझे पता है कि बहुत से दुम छल्ले जो आज देवबंदियों के साथ बाहों में बाहें मिलाते हैं, उन्हें होगा कि ये नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये मुनाफिक टोला दिया बना का, जब नबी के नहीं तो नूरानी के कैसे हो सकते हैं। और ये मौलाना नूरानी के बेटों को भी बेलाखर पर्दे अपनी आंखों से हटाने चाहिए, कब तक बिकते रहेंगे इनके हाथों। और यहां क्यों नूरानी साहब के बारे में उसने ये कहा, वो कहता है वो कहता था हमें सब कुछ दरगाहें दे रही हैं, यानी औलिया का फैज मानता है। और फिर ये जो टीएलपी में कुछ बगौड़े हैं ये भी सुन लें, जर्व अली खान का बयान। जर्व अली खान ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में कहा, कहता है कि खादिम हुसैन रिजवी जैसा जाहिल पूरे जहां में नहीं होगा। ये उनकी वफात के बाद कह रहा है, जिस पर पूरे देवबंद को नाज है, मुफ्ती जर बिल्ली खान। और कहता और वो जाहिलों का सिरदार था। क्यों, क्या वजह है? कहते उसने अपना तलबिया बनाया हुआ था, ये रिकॉर्ड है। खादिम हुसैन रिजवी जैसे जाहिल पूरे जहान में नहीं होगा, और वो जाहिलों का सरदार था। फिर ये कहने के उसके लिए दुआ करें और देवबंदियों का सर नीचे, आपका सर नीचे होगा, देवबंदियों का तो सर भी ऊपर है और टांगे भी ऊपर है, आपको हक क्या है? उन्होंने आपके हजरत बिनोरी और मुफ्ती महमूद पर कहा है कि हम उनके लिए न मगफरत की दुआ करते हैं न जनाजा पढ़ते हैं, और आप उनके एक जो उनके यहाँ भी मतून शख्स था, एक ऐसी गलत सलत बातें उसके पास जो गालियाँ थी और जो वो गालियाँ स्टेज पर बकता था, क्योंकि आदमी उम्रा करे या हज तो वो तलबिया पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उसने इसके मुकाबले में अपना तलबिया बनाया और उसको तहरीक की शक्ल दे दी। लब्बैक के किसी वारिस ने आज तक इस शैतान का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या विरासत ऐसे मिल जाएगी? तुम्हारे नारे को वो शिर्क कह रहे हैं, तुम्हारे लीडर को वो मुशरिक कह रहे हैं, और तुम फिर उन्हें चाटना चाहते हो।
ना समझ तो लोग होते ही हैं मगर गद्दारी तो सही नहीं। अब देखो मैं जवाब देता हूं, अगरचे वो मर गया है ज़िरबिली खान, लेकिन उसके पुजारी तो जिंदा हैं, जो अब फिर कारवां को लूटना चाहते हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, वो कहता है चूंकि इसने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा, तंजीम का नाम और नारा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के मुकाबले में ये मुशरिक हुआ, और आगे जिन्होंने जनाजा पढ़ा और क्या कुछ उसने आगे फतवा दिया। और ये बात भी ज़िमनन कह दूं, कुरान और सुन्नत के उसूलों की भी कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल का जो कौल है ना कि हमारे फैसले जनाजे करेंगे, इसकी भी कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं, इसकी कुछ हदें हैं। रब्ज़ा में विसाल हुआ हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का, जनाजे की एक सफ नहीं बन रही थी, करोड़ों वली अबू ज़र ग़फ़ारी के कदम की मट्टी पे कुर्बान। तो क्या कहोगे कि उनकी वलायत में कोई शक था, सहाबियत में कोई शक था? यही ज़रवली खान, इसका जनाजा देखो बाबे के बाद, अगरचे इतना नहीं था लेकिन वो भी तो एक बड़ा जनाजा था कराची में। चलो उसका नहीं, वो उस्मान काकड़ का देख लो, जिसका कराची से क्वेटे तक जनाजे का जुलूस पहुंचा, और तस्वीरें देख लो नेट पर, कितना बड़ा जनाजा था। कुछ होश करो सुनियो, हर हर उसूल के जब कुछ कवायद और ज़वाबित हैं तो तुमने सिर्फ इसी पे ही सब कुछ कर देना है। अब वो कहते रहे मेरे ज़रवली खान का जनाजा देखो, ये जन्नती है क्योंकि जनाजा इतना बड़ा है। उस्मान काकड़ वाले कहें जनाजा इतना बड़ा है। उस्मान काकड़ ना मुहद्दिस था, ना मुफस्सिर था, ना वली था, ना हाफिज था, ना कारी था, चलो दुनिया से चला गया, अगर ईमान उसका सही था अल्लाह उसकी बख्शिश करे, लेकिन ये जो तुमने तराजू सामने रखे हुए हैं और उसकी बुनियाद पर फैसले कर रहे हो और सारी मिल्लत बेचना चाहते हो। अब यहां मैं ज़रवली खान और देवबंद की पूरी ज़ुर्रियत को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब और जवाब दे रहा हूं। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, कोई हयाती ममाती देवबंदी वहाबी यजीदी इंशाअल्लाह क़यामत तक लब्बैक के नारे का जवाब नहीं दे सकेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, क्या सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी के लिए जायज था कि वो सरकार को अल्लाह कहे? वहां तो सजदे से भी रोका गया। जो दीन सरकार की जाहिरी हयात में था वही बाद में आज भी है। मेरे रब का ना कोई जमीन पे ऊपर जो हो उनमें से कोई शरीक है, और ना ही दुनिया में से जो चले गए हैं उनमें से कोई शरीक है। जब सहाबा में से किसी ने मेरे आका अलैहि सलाम को अल्लाह नहीं कहा तो हम भी अल्लाह नहीं कहते। जब सहाबा ने मेरे नबी अलैहि सलातो वस्सलाम को बार 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा तो हम आज भी लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब देखिए ये हदीस नंबर
बुखारी शरीफ की 128 है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नु कहते हैं, सनद है पूरी सही है, हर हरफ का मैं जिम्मेदार हूं, और क्यामत तक जिरविली की बिल्लियों को एड़ी के नीचे रख के कह रहा हूं। हद्दसना अनस बिन मालिक पूरी सनद, हद्दसना इसहाक बिन इब्राहिम काल हद्दसना मुआज़ बिन हिशाम قال حدثنا ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ تشریف فرما تھے کجاوے پر پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کیا شان ہے معاذ تیری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا इस तरह सवारी पे बैठे हुए तसव्वुर तो करो, काल या मुआज़ इब्न जबल काल लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ने बुलाया, हालांकि साथ बैठने वाले को इतना कोई आवाज देने की जरूरत भी नहीं, मगर वहां दी तो मरकजे सिरात मुस्तकीम तक पहुंची। या मुआज़ इब्न जबल قال, किसने कहा? हजरत मुआज़ बिन, सुना किसने? सबसे बड़े तौहीद परस्त ने कहा। क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह के सिवा किसी को लब्बैक कहना शिर्क होता, बिदत होता, कोई हल्की सी गलती भी होती, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के दीन का मुहाफिज कौन हो सकता है। सरकार ने जैसे सजदा करने से रोक दिया था, जब सहाबा ने इजाजत मांगी थी कि महबूब दिल चाहता है आपको सजदा करें, तो यहां भी रोक सकते थे सरकार कि मुआज मुझे लब्बैक ना कहो। ये लब्बैक का लफ्ज अल्लाह के लिए नहीं था, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं था, ये लब्बैक या अल्लाह नहीं था, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और एक बार नहीं, बीसियों बार दीगर से सहाबा का भी बुखारी में जिक्र है। तो अगर तलबिये से टकराव होता तो सरकार फरमाते मुआज इतना जल्द दीन भूल गए हो, और अगर कोई विसाल और बाद अज विसाल की तकसीम करे उसे कहो फिर ये दीन कौन सा है कि अल्लाह का जमीन के ऊपर कोई शरीक मान ले तो कुछ नहीं होता, कबर वाला क्यों माने तो फिर जुर्म हो जाता। हयात मौत का फर्क करने का तो ही मतलब बनता, जबकि मेरे रब का ना जिंदों में कोई शरीक है ना बाद अज विसाल कोई शरीक है, तो फिर मानना पड़ेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा डी चौक में नहीं खड़ा गया, फैजाबाद में नहीं खड़ा गया, ये मक्का मुकर्मा मदीना मुनवरा में पढ़ा गया है और क्यामत तक के लिए इसको पढ़ाया गया है। या रसूल अल्लाह लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक लबैक।